नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी, इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान की, चुनाव जहां पर होने वाले हैं और चुनाव का, विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं, जोश लोगों का, सियासतदानों का बढ़ता जा रहा है, उसी के साथ साथ बड़े सारे सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर बिल्कुल अब आने ही वाले हैं और कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी नहीं की है। 25 तारीख को यानी कि 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने हैं, तो मोटा मोटा एक महीने का समय रह गया है। राजस्थान में कांग्रेस की पहली उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार जो है वो और भी लंबा होता जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि अब 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की दौसा में जो जनसभा है उसके बाद ही प्रत्याशियों की सूची का ऐलान किया जाएगा। पर ऐसा क्या हो रहा है कांग्रेस में कि अभी तक वो अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो तय नहीं कर पा रहे, ऐसी क्या समस्याएं? राजस्थान में सचिन पायलट के साथ गए लोगों को टिकट जो है वो करीब करीब फाइनल है। अब कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इस पर आपत्ति थी उनकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कहा कि मैंने उनके एक भी समर्थक के टिकट पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है, हम सब एकजुट हैं। मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी पर अशोक गहलोत ये तक कह गए कि जो उम्मीदवार होता है वो मुख्यमंत्री बनता नहीं है। फिर से वे मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस सवाल पर गहलोत ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मुख्यमंत्री पद का पद तो मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन यह पद मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अशोक गहलोत की, उसमें काफी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। जरा पहले आपको वो सुनवा देते हैं। उसने कहा साहब, भगवान करे आप वापस मुख्यमंत्री बने, चौथी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया, सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बधाई, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तो समझ जाओ कितनी नहीं, हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा, बता दीजिए। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो, जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे उन सबके फैसलों में भागीदार बन रहा हूं, उनके पक्ष में। तो आप सोचते हो कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं, तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। तो अशोक गहलोत की आप बात सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि पद मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। अब सचिन पायलट इसका क्या सोचेंगे, ये एक बड़ी बात है। वहीं राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची है वो आ चुकी है। सूची में 41 उम्मीदवारों के नाम हैं, उस पहली सूची में 7 सांसद भी हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की नेता वसुंधरा राजे जो हैं उनके वफादारों को पहली सूची में जगह ज़्यादा नहीं मिली है। इससे जो फूट की बात हो रही है वो दोनों तरफ दिखाई पड़ रही है, बीजेपी में भी कांग्रेस में भी। वहीं कांग्रेस के 100 से ज्यादा नाम ऐसा बताया जा रहा है कि तय हो गए, लेकिन अभी तक कांग्रेस राजस्थान की पहली सूची का ऐलान कर नहीं पाई है। अब इस पर जाहिर सी बात है सवाल उठ रहे हैं। तो कांग्रेस की परेशानी जो है उस गुत्थी को कि क्यों अब तक नहीं हो पा रहा है, इसको जरा हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे इस वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती सुलझा रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं और वो आपको बताएंगे, मनोरंजन जी, कि क्या ये जो पूरी गुत्थी फंसी हुई है कांग्रेस पार्टी की, अगर 100 नाम तय हो गए तो अनाउंस क्यों नहीं हो रहे? राजस्थान के लिए जो पहली लिस्ट है वो रुक गई है। लिस्ट के बारे में आपको जानकारी दे दूं और इसके पीछे की कहानी भी बता देता हूं कि दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी सीईसी की बैठक चल रही थी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सभी बड़े नेता मौजूद थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी उस बैठक में थे। जब 3 नामों पर जब चर्चा हुई, शांति धारीवाल, महेंद्र जोशी और राजेंद्र राठौर, तो सोनिया गांधी का एक सवाल आया। उन्होंने कहा कि इशारा किया कि क्या ये वही शख्स हैं जिनके बारे में ढेर सारा एलिगेशन है। गहलोत साहब कुछ कहना चाह रहे थे सफाई देने के लिए, तो राहुल गांधी बीच में उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भी जब मैं भारत यात्रा कर रहा था जयपुर में और राजस्थान में, तो मुझे भी इनके खिलाफ शिकायतें मिली थी। तो अब इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? इसके पीछे की पृष्ठभूमि यही है कि शांति धारीवाल, महेंद्र जोशी और राजेंद्र राठौर, ये वही 3 नेता हैं जिन्होंने कि जयपुर में विधायकों की बैठक नहीं होने दी थी,
क्योंकि उनको एक दो पर्यवेक्षक भेजे गए थे दिल्ली से, सोनिया गांधी ने भेजे थे, उस वक्त वो अंतरिम अध्यक्ष थे। और पर्यवेक्षक कौन थे? मौजूदा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और मौजूदा कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन, और इन तीनों ने बैठक नहीं होने दी थी। और धारीवाल साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि कौन है आला कमान, यानी दिल्ली के नेताओं के बारे में टिप्पणी कर दी थी। अब आला कमान ने अपनी ताकत दिखाई है और इनका टिकट जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बात यहीं नहीं रुकती है, बात आगे बढ़ती है। फिर जब हुआ कि लिस्ट खोली गई तो मालूम चला कि 106 सीटों पर जो है सिंगल नाम आए हैं, यानी उस नाम को क्लियर करना था। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, 106 नाम क्यों आए, पैनल में और भी नाम आने चाहिए थे। दलील ये दी गई कि इन 106 सीटों पर कोई और ढंग का उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है। राहुल गांधी का ये कहना है कि जितने भी उनके पास अपने सर्वे की रिपोर्ट है जो उन्होंने अपने सोर्सेज से कराए, उस रिपोर्ट के अनुसार आधे मंत्रियों और आधे विधायकों का टिकट काटा जाना चाहिए। साथ ही जितनी हारी हुई सीट भी है कांग्रेस की, वहाँ भी आधी टिकट जो है, आधे सीटों पे नए लोगों को टिकट मिलना चाहिए। राहुल गांधी इस पक्ष में है, इसलिए 106 जो ये सिंगल नाम आए थे, दरअसल इसमें मौजूदा विधायक थे, इसमें BSP से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक थे, और 13 वो अन्य निर्दलीय विधायक थे जिन्होंने कि गहलोत साहब की सरकार बचाई थी। तो अब इन 106 नामों को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब ये कहा गया है कि अब जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद ही ये नाम तय किए जाएंगे। अब जो है कि प्रियंका गांधी की जन जागरण यात्रा जो है वो उसकी एक समापन की रैली होनी है राजस्थान में, उसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस की पहली सूची आएगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस अपने कितने विधायकों का नाम काट पाती है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस को लेकर के एक नारा लग रहा है कि अशोक गहलोत 13 से बैर नहीं लेकिन विधायकों की खैर नहीं। तो अब ये जिम्मेवारी जो है जो इलेक्शन कमेटी की बनती है कि वो कितने नए चेहरे देते हैं जिससे कि एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जा सके। चलिए, तो एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जा सके, इस पर अब उनकी पूरी सोच रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राजस्थान का जो चुनाव है, जो हर बार राजस्थान में राजनीति बदलती रहती है, इस बार उम्मीद थी कि BJP के लिए आसान चुनाव होगा, उनके यहाँ जो फूट है उससे ऐसा नहीं लग रहा। और कांग्रेस के अंदर भी क्या कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे, अगर एकजुट नहीं रह पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बन के उभरा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसराइल और हमास युद्ध की, उसका जो असर है वो भारत की सियासत पर भी दिखने लगा है। हाल ही में NCP के चीफ शरद पवार ने बयान देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसराइल को समर्थन देना दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले के प्रधानमंत्री मजबूती से फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में वास्तविकता की अनदेखी की है। इस बयान के खिलाफ में BJP ने शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शरद पवार को अपनी बेटी सुप्रिया सुले को गाजा में हमास के लिए लड़ने तक का बयान दे डाला, बात कह डाली। तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शरद पवार को ऐसे बयान देकर वोट बैंक की राजनीति करने का उनके ऊपर आरोप लगा दिया। अब NCP शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है, इस पर BJP पर लगातार हमलावर है। इसराइल को लेकर शरद पवार ने जो बात रखी है, मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज हेमंत बिस्व शर्मा जी आर द सेम DNA एज मी, इज अ ओरिजिनल कांग्रेसी, सो ही एंड मी शेयर द सेम DNA। आफ्टर गोइंग टू द BJP, यू नो हाउ डिसरिस्पेक्टफुल दे आर अबाउट वुमेन, सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, बट आई हैड होप फ्रॉम हेमंत बिस्व शर्मा जी बिकॉज वी शेयर द सेम कांग्रेस DNA। So I'm surprised how this change has happened towards women and the approach. It's probably going into BJP's little rubbing off on him, unfortunately, because I was always proud of him. Because I felt ki apna ek Congress DNA ka aadmi BJP mein jaake mukhyamantri bana hai, ye mere liye bahut badi baat thi. Assam ke mukhyamantri bol rahe hai, kal tak Congress mein the, Congress ka namak khaya tha, aaj namak ka karkhana badal liya hai. लगता है वो भी आज जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये महाशय ने, मुख्यमंत्री महोदय ने इतिहास को पढ़ना चाहिए, इतिहास को समझना चाहिए। खास करके अब वो BJP में है तो पैलेस्टाइन और इसराइल के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की क्या भूमिका रही है, एक बार समझ लीजिए।
चलिए, तो ये जो पूरी अब बात आ रही है सामने, भारत की राजनीति पे इसका किस तरीके से असर है, इस पर लगातार वोट बैंक को लेकर बीजेपी ऐसे ही हमलावर रहेगी, और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण याद दिलाते रहेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा समर्थन पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है। खैर, भारत की अभी भी स्थिति यही है कि फिलिस्तीन का जो राष्ट्र का मामला है, उनको मान्यता देने का मामला है, उसमें भारत फिलिस्तीन का समर्थन करता है। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। तो अब आप बात करते हैं इसराइल और फिलिस्तीन, यानी कि गाज़ा में हमास का जो युद्ध चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, उसका 12वां दिन है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक आज इसराइल पहुंचे। ये बिल्कुल जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके इसराइल जाने के बाद दूसरे बड़े नेता हैं जो वहाँ पहुँचे हैं। वो दो दिन की यात्रा पर इसराइल गए हैं। बाइडेन के बाद इसराइल पहुँचने वाले दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष हैं। इससे पहले जो जर्मनी के चांसलर हैं वो भी वहाँ पहुँचे थे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सुनाक इसराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति वहाँ पे जो हैं उनसे मिले, और साथ ही साथ इसराइल दौरे पर जाने से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक ने कहा कि गाज़ा में अस्पताल पर हमले को लेकर हमें अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए, और ये भी कहा कि प्रभावित इलाके में मानवीय मदद पहुँचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। I'm pleased to be here in Israel at this important time. Above all, I'm here to express my solidarity with the Israeli people. You have suffered an unspeakable, horrific act of terrorism, and I want you to know that the United Kingdom and I stand with you. I'm looking forward to my meetings later today with the Prime Minister and President, and I very much hope that they will be productive meetings. Thank you again. साथ ही साथ इसराइल पहुंचने पर ऋषि सुनाक ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मैं इसराइल में हूं और शोक में डूबा हुआ एक राष्ट्र में भी आपके साथ शोकाकुल और आतंकवाद जैसी बुराई के खिलाफ आपके साथ खड़ा हूं आज और हमेशा। वहीं आपको अब यह भी बता दें कि इसराइल का जो युद्ध है वो 13वां दिन अब हो चुका है, 12 दिन खत्म हो चुके हैं, आज 13वां दिन है। क्या क्या अभी तक हुआ है इस युद्ध में, अब तक 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में जो समिति है मानवीय मदद के को सीमित मानवीय मदद को तैयार हो गया है इसराइल, शर्तों के साथ मिस्र के रास्ते मदद पहुंचेगी। अस्पताल पे हमला जो है उसको लेकर जो अमेरिका है उसने इसराइल को क्लीन चिट दे दी है। विस्फोट इसराइल ने नहीं बल्कि दूसरी टीम ने किया, ऐसा जो बाइडेन खुद कह के गए थे, लेकिन अभी भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। हमास फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ऐसा भी जो बाइडेन ने कहा था। अब गाजा वेस्ट बैंक के लिए $100 मिलियन की मानवीय सहायता अमेरिका देगा। बाइडेन ने यह भी कहा कि इसराइल दौरे के बाद अब ऋषि सुनाक वहां पहुंच चुके हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है इसराइल। ये भी एक बड़ा बयान आया है, ऑर्गेनाइजेशन जो OIC है, मुस्लिम देशों का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उसने एक बयान जारी करके इसराइल पर हमला बोला है और कहा है कि इसराइल आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, इसराइल पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, ऐसा OIC के देश मानते हैं। कई देशों ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें लेबनान है, जॉर्डन है, लीबिया, यमन में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, तुनिशिया, तुर्की और साथ ही साथ मोरक्को में, ईरान में भी इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। लेबनान में हिजबुल्ला ने जो अमेरिका का दूतावास है उसमें वहां पर आग लगाने की कोशिश की गई। मुस्लिम देशों के आक्रोश जो है उसको एक आक्रोश दिवस के रूप में मनाने की अपील की जा रही है, जिससे कि पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ कम से कम मुस्लिम देशों में एक जबरदस्त माहौल बन सके। युद्ध को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, लेबनान की राजधानी बेरूत में फिलिस्तीन समर्थकों ने फिर से प्रदर्शन किया, प्रदर्शनकारियों ने फौरन युद्ध विराम की मांग की है।
वहीं एथेंस में इसराइल के समर्थक जो हैं वो भी जुट रहे हैं। हमास के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया, बंदूकों की रिहाई की मांग की। एथेंस में हजारों प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस्तांबुल तुर्की में लगातार दूसरे दिन एक विशाल जनसमूह इसराइल के खिलाफ नारेबाजी करता नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने बाद में आगजनी भी की, इसराइली झंडे को जलाया गया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। चलिए तो अब आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताते हैं जिस खबर ने सच में दिल खुश कर दिया। बेटी की तकलीफ किसी भी पिता से देखी नहीं जाती, लेकिन रांची के प्रेम गुप्ता साहब ने अपनी बेटी की परेशानी को कुछ इस तरीके से हल किया कि जमाना वाह वाह कर रहा है। उन्होंने मिसाल कायम कर दी है। प्रेम गुप्ता अपनी शादीशुदा बेटी साक्षी को उसके ससुराल से हमेशा के लिए वापस लेकर आए, क्योंकि बच्ची वहां परेशान थी, और वो भी पूरे गाजे बाजे के साथ। जिस तरीके से उसको अपने घर से भेजा था, उसी तरीके से आतिशबाजी और गाजे बाजे के साथ पूरी बारात लेकर अपनी बेटी को वापस लेकर आए, क्योंकि बेटी साक्षी का पति उस पर ना सिर्फ जुल्म कर रहा था, बल्कि शादी के बाद उसको पता चला कि उसकी पहले से ही दो और शादियां हो चुकी हैं। पति के धोखे और जुल्म के से तंग आने के बाद जब बेटी ने अपने पिता को ये बात बताई, तो पिता ने इस अनोखे तरीके से जो है अपनी बेटी का गम भी कम करने की कोशिश की और समाज को भी एक बड़ा संदेश दिया। लोग अब पिता के रूप में प्रेम गुप्ता की मिसाल दे रहे हैं और उनकी बेटी साक्षी पर अदालत में जो पति से तलाक का जो केस है उसकी तैयारी वो अब कर रही है। मैं जो भी मेरे झारखंड वासी या जितने लोग भी हैं, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सबने तहे दिल से मेरा स्वागत किया है। बीते कल में मेरे साथ जो भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, मैं अब उसे याद नहीं करना चाहती हूँ। हमारे कोर्ट में समझौता हो चुकी है और मेरे माता पिता मुझे घर ले आए हैं और मुझे ऐसे गाजे बाजे के साथ लेकर आया गया है, तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिल रहा है। तो आप ये देख रहे थे प्रेम गुप्ता साहब ने किस तरीके की मिसाल बिल्कुल एक यहाँ पर कम से कम नज़ीर पेश की है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं इंडिया गठबंधन में लेकर किस तरीके की परेशानियाँ सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में समझौता नहीं हो पा रहा है, इसके चलते अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री से बात की, जो सीटें हैं उन पर बात हुई थी, लेकिन जब लिस्ट आई तो समाजवादी पार्टी के कहीं कोई बात नहीं थी। अखिलेश यादव का दावा है कि 6 सीटें देने को कांग्रेस ने कहा था कि वो विचार कर रहे हैं। अगर उन्हें पता होता कि इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव में कोई समझौता नहीं करेगा तो वो इस बात को बढ़ाते ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, बीजेपी, बीजेपी के सहयोगी लोग, बीजेपी के समर्थक लोग। लेकिन राजनीति में हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है।
तो ये कहीं ना कहीं एक कड़वाहट जो है अखिलेश यादव जाहिर करते हुए, लेकिन बात यह भी है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर है, उसमें क्या कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को टिकट देकर कहीं ना कहीं कोई समझौता करने को तैयार थी नहीं थी, ये एक बड़ा बात है। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लोकसभा के बाद जब भी उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ उम्मीद रखेगी किसी गठबंधन की, ये भी अभी तय होगा। और क्या इस कड़वाहट से इंडिया गठबंधन की जो सीटों का फैसला होना है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये एक बहुत अहम बात होगी। तनिष पंजाबी मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तनिष, अभी तो अखिलेश यादव क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में है नहीं, तो अभी वो अपने सिर्फ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जब ये बात पहुंचेगी लोकसभा चुनाव 2024 की और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आने की, तब शायद अखिलेश यादव ये बात भूलेंगे नहीं मध्य प्रदेश में उनके साथ क्या हुआ है। जी बिल्कुल अंकित, और इंसान अखिलेश ने खुद ही ये बोला कि जिस तरीके से हमारे साथ बर्ताव करोगे हम भी उसी तरीके से बर्ताव करेंगे, ये उनके कठोर शब्द थे सर। और ये स्टेटमेंट जो आई अखिलेश यादव की तरफ से, ये कल जो अजय राय ने स्टेटमेंट दी थी हमको एनडीटीवी को, उन्होंने कहा था कि एससी की मध्य प्रदेश में कोई मौजूदगी नहीं है, तो इसी के ऊपर जो है आज अखिलेश यादव ने एक वापस जवाब दिया इस बात का। और उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, सपा के नेताओं के साथ रात के 1 बजे तक मीटिंग भी करी और बोला, उनको आश्वासन दिया कि हम 6 सीट पर आपके बारे में विचार करेंगे। ये जरूर ये मैं आपको गौर करवा दूं कि उन्होंने कहा था विचार करेंगे, अखिलेश यादव ने कहा कि विचार करेंगे, बट उनको प्रॉमिस नहीं किया था, बट ये आश्वासन दिया था कि विचार करेंगे। फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ऐसा ही था, इनफैक्ट अगर मैं उनको कोट करूं कि हमको अगर बेवकूफी बनाना था तो हम अपने कभी इन लोग को अपने एसपी के लीडर को कभी भेजते ही नहीं उनके पास, तो काफी कठोर शब्द आए। और खासकर जो है उन्होंने एक बहुत ही सीधा निशाना ताना है अजय राय के ऊपर, उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मौजूद नहीं थे, ना पटना की मीटिंग में, ना बंबई की मीटिंग में, किसी मीटिंग में मौजूद नहीं थे, तो फिर वो कैसे कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं इस बात को लेकर। उन्होंने इनफैक्ट ये भी बोला कि कांग्रेस को ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके कोई कोट अनकोट में कह रहा हूँ छोटे नेता इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं दे। लोकसभा खैर जब बात आती है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो उन्होंने कहा कि हम उस समय देखेंगे, अगर उस समय सही रहेगा तो, उन्होंने इस तरीके का कोई हिंट नहीं दिया कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे या फिर हम रहेंगे, उन्होंने कहा कि हम उस समय देखेंगे, लेकिन अगर राज्य स्तर पर आपको गठबंधन नहीं चाहिएगा तो हमको बता देते, हमारा समय क्यों व्यर्थ किया। ये अखिलेश यादव का सीधा सीधा निशाना आ रहा है, चुनाव मध्य प्रदेश में है लेकिन आप उत्तर प्रदेश में लगी हुई है। तनिष बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर हमारे साथ साझा करने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप की। जी भारत का आज बांग्लादेश के साथ मुकाबला है, पुणे में मैच हो रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और फिलहाल 34 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। बांग्लादेश 4 विकेट खोकर 164 रन बना चुका है। भारतीय टीम के लिए चिंता वाली बात यह है कि हार्दिक पांड्या अपने पहले ही ओवर में जब गेंदबाजी कर रहे थे वो चोटिल हो गए, गेंदबाजी करते वक्त वो गिर गए और उसके बाद उनके पैर में ऐसा लगा कि चोट है, लंगड़ाते हुए वो मैदान से बाहर निकले। और उसके बाद विराट कोहली शायद बहुत दिनों बाद, मैं कहीं पढ़ रहा था 6 साल बाद वो बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़े और उन्होंने वो पूरा ओवर किया। अब हार्दिक पांड्या को स्कैन के लिए ले जाया गया है अस्पताल में। ये इस वक्त जो मैच की स्थिति पर बात करने के लिए और साथ ही साथ ये कितनी बड़ी चिंता की भारत के लिए वजह बन सकता है, हमारे साथ वैसे किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, हमारे साथ सवा करीम साहब जुड़ रहे हैं।
पूर्व भारतीय खिलाड़ी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हार्दिक की चोट को लेकर कितना परेशान आप हैं, कितने परेशान दर्शकों को होना चाहिए? मेरे से ज़्यादा तो रोहित शर्मा परेशान होंगे और राहुल द्रविड़ परेशान होंगे और सबकी निगाहें अब हार्दिक पांड्या के ऊपर होंगी कि जल्द से जल्द वो फिट होकर वापस आ जाएं। जिस तरह की चोट लगी है वो अपने बॉलिंग करने के बाद फॉलो थ्रू में बॉल को रोकने के प्रयास में ऐसा लग रहा था कि उनके एंकल में चोट लगी है। अब वो एंकल ट्विस्ट हुआ है या फिर लिगमेंट में कोई टेयर है कि नहीं, ये सब कुछ निर्भर करेगा स्कैन के रिजल्ट्स हैं उसके बाद ही। पर उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द वापस मैदान में आ जाए। अगर ये मैच आगे नहीं भी खेल सकते हैं, नहीं खेल पाए, उससे भी फ़र्क पड़ता नहीं है, पर आने वाला मैच जो न्यूजीलैंड के खिलाफ है, कम से कम वो एक बहुत बड़ा मैच है भारत के लिए। उस मैच के लिए अगर वो फिट हो जाएँ तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या का रोल बहुत ज़्यादा अहम है भारतीय टीम के लिए। वो एक ऐसे गेंदबाज हैं, एक ऐसे बल्लेबाज हैं, एक ऑलराउंडर हैं जो जिनकी वजह से टीम का जो बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो उनकी वो अगर फिट नहीं होते हैं और इंजरी कुछ ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो फिर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के लिए थोड़ी बहुत चिंताएँ बढ़ जाएंगी। बड़ा झटका होगा टीम इंडिया के लिए। अब ज़रा थोड़ा मैच की बात कर लेते हैं। इस वक्त बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रहा है। बांग्लादेश ऐसा नहीं है, भारत को उसने कभी हराया नहीं, भारत को वो कई बार हरा भी चुका है, वर्ल्ड कप में भी हरा चुका है। तो अगर हम बात करें तो क्या टारगेट आप देख रहे हैं जो भारतीय टीम चाहेगी उसको, कि बांग्लादेश को सीमित किया जा सके? भारत ने बहुत हद तक सीमित कर लिया है बांग्लादेश को। पहले विकेट की साझेदारी हुई थी 93 रनों की, उसके बाद विकेट लगातार गिरते रहे, इसी वजह से इस समय 35-36 ओवर के बाद करीब 165 का स्कोर है बांग्लादेश का। इस समय मुशफिकुर रहीम बल्लेबाजी कर रहे हैं, आने वाले बैटर्स में महमूदुल्ला हैं जिनके पास अनुभव काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि भारत का प्रयास यही होगा कि 250-260 के अंदर बांग्लादेश को रोक लिया जाए, क्योंकि अंतिम के ओवर्स जो हैं वो बुमराह करेंगे। अभी भी उनके मुझे लगता है कि 4 ओवर बाकी हैं, जडेजा के कुछ ओवर्स बाकी हैं, कुलदीप यादव के ओवर्स बाकी हैं, मोहम्मद सिराज के ओवर्स बाकी हैं। ये सभी बॉलर जो हैं काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। यहाँ पर अगर 1-2 विकेट और बांग्लादेश का गिर जाता है तो हो सकता है कि 250 तक भी ना पहुँचे बांग्लादेश, क्योंकि ये बांग्लादेश निर्भर कर रहा है इस समय मुशफिकुर और महमूदुल्ला के ऊपर। अगर यहाँ पर एक साझेदारी टूट जाती है इस समय हृदय और मुशफिकुर के बीच में, तब कठिनाई बढ़ जाएगी बांग्लादेश के लिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं पांचवें बॉलर को लेकर जो बात है, क्योंकि हार्दिक को अभी चोट लगी है, विराट ने उनको ओवर पूरा किया था, वो क्या कहीं मुश्किल में डाल सकता है? बांग्लादेश भी सोचेगा कि किसी और को लेकर आएंगे तो उसको टारगेट करना उनके लिए भी थोड़ा आसान होगा। उनका प्रयास यही होगा कि वो शार्दुल ठाकुर को टारगेट करें, अभी तक उनकी कोशिश यही रही है, उन्होंने शार्दुल को टारगेट किया भी है, इसी वजह से आज थोड़े बहुत महंगे रहे हैं शार्दुल ठाकुर। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अभी जो अन्य ओवर्स बचे हैं बॉलर्स के, उनको थोड़ा बहुत आपको टारगेट करना होगा, जो कि उतना आसान नहीं होने वाला है। इसीलिए मैंने कहा कि जो आपके 4 मेन बॉलर्स हैं इस समय, अगर इनमें से सफलता मिल जाती किसी भी बॉलर को 1-2 विकेट निकालने में, तब गंभीरता जो है, जो गंभीर स्थिति हो जाएगी बांग्लादेश की। सर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा शार्दुल ठाकुर को लेकर ही। मैं अभी देख रहा था काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि वो प्लेइंग 11 में हैं जबकि शामी बाहर बैठे हुए हैं, उसको लेकर थोड़ी एक कहीं ना कहीं कहें तो कंट्रोवर्सी थोड़ी बहुत है कि शार्दुल ठाकुर को टीम में रखा गया है, शामी को बेंच पे अभी रखा गया है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं जो आज की प्लेइंग 11 है? देखिए प्लेइंग 11 ये सीधी तरह से रोहित शर्मा की प्लेइंग 11, उनको ये लगता है कि शार्दुल ठाकुर के रहने से नंबर 8 पर उनको एक अच्छा बैटर मिल जाता है, तभी जो बोल्ड अप्रोच की बात करते आ रहे हैं रोहित शर्मा, जिस तरह से उन्होंने खुद बैटिंग की है, उनको ये लगता है एक और एक्स्ट्रा बैटर रहेगा तब उनको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, उनकी टीम को स्पेस मिल जाता है, बैटर्स को मौका मिल जाता है तेज़ गति से रन बनाने का, अगर आपके पास एक प्रकार का कुशन हो तो जी। ये अलग बात है कि मुझे भी आज लग रहा था या तो आर अश्विन को खिलाना चाहिए था, जो कि जिस तरह से जडेजा और कुलदीप यादव ने गेंदबाजी की है, उन्होंने विकेट भी लिया मिडिल ओवर्स में, तब मुझे लगता है कि ज़्यादा सहूलियत होती है भारत को बांग्लादेश को और कम रनों में रोकने में। तो ऑप्शन यहाँ पर या तो आप मोहम्मद शमी को खिलाइए एक थर्ड सीमर के रूप में, या फिर आपको आर अश्विन को खिलाना चाहिए था आज। अभी क्योंकि वर्ल्ड कप में हमने दो बड़े अपसेट्स भी देखे, उसके बाद अब भारत का इसके बाद न्यूजीलैंड के साथ भी मुकाबला है, तो कहाँ पर अभी इस वर्ल्ड कप को आप टिका हुआ देख रहे हैं? मतलब अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपके टॉप 4 कौन है, सेमीफाइनल में कौन जा रहा है, तो कहाँ पर आप स्थिति देख रहे हैं? दो टीमें तो पक्की हैं, भारत और न्यूजीलैंड, और इसके अलावा दो टीमों में अभी भी टक्कर है। ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर करता है इंग्लैंड के ऊपर, इंग्लैंड 2 मैच हार चुकी है, बहुत बड़ा झटका है उनके लिए। दक्षिण अफ्रीका ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से क्रूज कर जाएंगे पिछला मैच हारने के बाद, उनकी भी जो स्थिति है थोड़ी बहुत कमज़ोर हो गई है। तो ये 3 टीमों के बीच में मुझे लगता है कि 2 टीम क्वालिफाई करेंगे, पर मैं अभी भी बैक कर रहा हूँ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि मुझे लगता है ये 2 बड़ी टीमें हैं, इनमें वो काबिलियत है वापसी करने की, और आने वाले मैचेस अगर ये 2 टीमें जीत लेती हैं तो फिर
ये चार टीम मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के चांसेस जरूर बने रहेंगे। अंत में सवाल करीम साहब, क्योंकि अभी इनिंग्स पूरी बची हुई है, भारत भी खेलेगा, जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 2019 का जो बदला है रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में उतार रहे हैं, ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। और कई बार उन्होंने कहा भी है कि पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था उनमें उनकी बैटिंग इतनी शानदार हुई थी पर अंत में वो सेमीफाइनल मुकाबला वो हार गए थे, तो इस बार उसको बदलने का प्रयास रहेगा रोहित शर्मा की। तो बैटिंग तो वही हो रही है, इनफैक्ट इस बार जो बैटिंग है उसमें और ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिल रहा है रोहित शर्मा के, पर जो फॉर्म में नज़र आ रहे हैं मैं तो बस यही दुआ करता हूँ कि जब बड़ा मैच आए, जब नॉकआउट इनकाउंटर्स आए, वहाँ पर रोहित शर्मा का बल्ला इसी प्रकार से चलता रहे, तभी भारत के इस बार काफ़ी सालों के बाद विश्व कप जीतने के चांसेस जो हैं वो बरकरार रहेंगे और बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवा करीम साहब पूरा एक पर्सपेक्टिव जो दे रहे थे और साथ ही साथ इस मैच का भी, अभी क्योंकि मैच बांग्लादेश की इनिंग्स चल रही है, इसके बाद भारत भी खेलेगा तो फिर से चर्चा होगी और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि इस मैच के बाद कौन कहां पर खड़ा हुआ है। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।